नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू सिंह और आप देख रहे हैं दवा की जानकारी चैनल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं दवा से रिलेटेड वीडियो आपके लिए रोज ही लेकर के आता ही रहता हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अगर आपने हमारे बेल आइकन को नहीं दबाया तो हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको समय से नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सेफ्रियाक्सोन इंजेक्शन लेकर के आपके लिए आए हैं, जो मोनोसेफ 1 ग्राम IV MV यूज के लिए आता है, यानी कि नस और मांस दोनों में आप इसका यूज कर सकते हो दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं चारों तरफ से। तो ये जो है कि 56 रुपये का आपको मिलता है दोस्तों। इसका जो है कि एक्सपायरी डेट आप जुलाई 2018, दिसंबर 2020, ठीक है दोस्तों। तो एक्सपायरी डेट भी इसकी जो है कि 2 साल की होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप दवा खरीदे तो एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदिए दोस्तों। ये एक एंटीबायोटिक दवा है। चलिए हम एंटीबायोटिक के बारे में आपको बताते हैं कि एंटीबायोटिक दवा क्या होती है दोस्तों। एंटीबायोटिक दवा जो है कि जीवाणुरोधी और जीवाणुनाशक दवा होती है, जो कि बैक्टीरिया को मारने और रोकने का काम करती है। तो दोस्तों जीवाणुरोधी जो दवा जो होती है वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, तथा जो जीवाणुनाशक होती है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के साथ साथ उसको ख़त्म भी करती है दोस्तों। तो ये 2 प्रकार की एंटीबायोटिक दवा होती हैं, जो हम आगे आपको अलग वीडियो में धीरे धीरे करके आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए मोनोसेफ की जानकारी लेकर के आए हैं दोस्तों। मोनोसेफ का यूज जो है कि हम काफ़ी जगह पर देखते हैं होता है, आप देख सकते हो कहीं भी हॉस्पिटल में इसका यूज हर जगह पर आपको सामान्य रूप से मिल जाएगा। ये पेपर है, इसको साइड में रखते हैं और ये आपको देखिए इंजेक्शन निकालते हैं। ये जो है कि इसका ठोस में ये दिया है, इसका जो एक घोल नहीं है, इसका 10 ml का ये पानी है। इस पानी को इसमें मिला करके 10 ml के साथ इसको लगाना होता है, इस इंजेक्शन को 1 ग्राम में। तो दोस्तों ये हर जगह यूज होता है दोस्तों ये इंजेक्शन। चलिए आपको हम बताते हैं, सेफ्रियोक्सिन जीवाणु को कोषाभित्ति के प्रोटीन संश्लेषण को कम करता है यह इंजेक्शन। यह एक प्रबल जीवाणुनाशक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। कार्य अवधि बहुत ही अधिक होती है इस दवा की दोस्तों, ये 8 घंटे तक काम करती है। तो आप अगर आप इस दवा की यूज करते हो तो एक बार यूज करने के बाद इसे दोबारा 1 दिन में आप नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 दिन में एक ही दवा का यूज होता है दोस्तों। जैसा कि ये इस दवा का हम यूज करते हैं दोस्तों, तो रक्त विषण्णता, मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड जो होता है दोस्तों, और मस्तिष्क ज्वर जो होता है उसमें यूज इसका होता है, अस्थि ज्वर होता है उसमें होता है, हड्डी के कंपाउंड फ्रैक्चर में होता है, दुर्घटना और चोट में होता है दोस्तों, घाव में होता है, जनन मूत्र संक्रमण जो होते हैं उसमें होता है, निमोनिया में होता है दोस्तों, त्वचा और कोमल उत्तक संक्रमण को रोकने के लिए होता है, शल्य क्रिया के बाद जो संक्रमण होता है उसको रोकने के लिए दोस्तों होता है। तो दोस्तों ये जो है कि इंजेक्शन के रूप में ही उपलब्ध होता है, इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। जैसा कि और आगे आपको बताते हैं इसकी मात्रा क्या है। 4 ग्राम इसका प्रतिदिन जो है कि दिया जाता है, पहले 2 दिन तक, उसके बाद 2 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है 7 से 10 दिन तक, और बच्चों को 50 से 100 mg प्रति kg प्रतिदिन दिया जाता है दोस्तों। तो इसका जो है कि साइड इफ़ेक्ट आपको बताते हैं दोस्तों, इसको साइड इफ़ेक्ट उल्टी हो सकती है आपको, मितली हो सकती है, दस्त और रक्त स्राव भी हो सकता है लाइटिंग के द्वारा, और वृक्क विकार भी हो सकता है, इकृत शोध भी हो सकता है दोस्तों। तो आप इसका थोड़ा सावधानी से यूज करें दोस्तों। इसकी डॉक्टर एडवाइस है, बेहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़े दोस्तों। इस दवा का कोर्स पूरा करने के बाद ही इस दवा को छोड़ें, क्योंकि अगर आप इस दवा को जल्दी बंद कर देते हैं तो इस आपका जो है कि संक्रमण जो है दोबारा बढ़ सकता है, और फिर जो है कि दोस्तों इलाज में कठिनाई हो सकती है। तो इस दवा का जो है कि पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही इस दवा का जो है कि उपयोग छोड़ें दोस्तों आप। दोस्तों मोनोसेफ दवा को लेने के बाद इसका जो है कि असर पूरे 2 दिन तक रहता है। तो अगर आप इस दवा को छोड़ भी देते हैं तो इसका असर 2 दिन तक रहेगा। और दोस्तों खुराक भूलने पर अगर आप इस दवा की खुराक भूल जाते हैं, तो उस अगर अगली समय तक इसका खुराक लेने की टाइम हो गई है, तो आप जो है कि अगली खुराक इस दवा के लिए, न कि इस दवा को दोहराएं,
तो दोस्तों इस दवा को दोहराएं नहीं, इस दवा को एक ही बार यूज करें। जैसे कि शराब के साथ क्या आप इसे ले सकते हैं, तो दोस्तों शराब के साथ इसका जो है कि कोई पारस्परिक प्रभाव की जानकारी नहीं है, तो इसलिए आप जो है कि शराब के साथ भी इसे ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, या फिर डॉक्टर की सलाह लेकर के आप इसे शराब के साथ भी ले सकते हैं। और दोस्तों गर्भावस्था में आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इस इंसानों पर किए गए शोध के अनुसार यह पता चला है कि इसके सेवन से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, तो इसका जो है कि यूज आप गर्भावस्था में भी कर सकते हैं। और दोस्तों स्तनपान जो है कि जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं उसमें क्या इसका यूज हो सकता है दोस्तों, तो स्तनपान में यूज बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इसका असर जो है कि शरीर से होते हुए दूध में जाता है और दूध से जो है कि बच्चे में जाता है। तो इस दवा का इस्तेमाल अगर कोई महिला बच्चे को स्तनपान करा रही है तो वो जो है इस दवा का यूज न करे तो बेहतर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं ड्राइविंग पे, क्या आप इस दवा को लेने के बाद ड्राइविंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा हो, आपको चक्कर ना आ रहा हो, उल्टी ना आ रही हो और कोई जो है कि नींद नहीं आ रही हो, कमजोरी नहीं महसूस हो रही हो, तो आप इस दवा को लेने के बाद ड्राइविंग कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों और देखते हैं किडनी, अगर आपको पहले से किडनी की बीमारी है तो अपने डॉक्टर को बताएं और इस दवा का यूज करें। दोस्तों देखिए लीवर की अगर आपको कोई बीमारी है, तो दोस्तों अगर आपको लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको मोनोसेफ के डोज में आवश्यकता अनुसार कम करना पड़ सकता है। तो इस वजह से आप इस दवा की खुराक डॉक्टर के अनुसार ले सकते हैं कम करके, क्योंकि लीवर पे इसका असर डायरेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो संभावना है कि आपको कोई प्रॉब्लम लीवर संबंधी है तो आप इसे डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही लें, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद जय भारत।